गणतंत्र दिवस के दिन हवाई हमले की साजिश की खबर मिलने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान पर हर साल 26 जनवरी को परेड हुआ करती है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हाथों ध्वजारोहण किया जाता है। इस साल गुप्तचर विभाग द्वारा शिवाजी पार्क मैदान पर हवाई हमले की साजिश की जानकारी मिली है। इस सूचना के बाद शिवाजी पार्क इलाके में पुलिस बंदोबस्त और कड़ा कर दिया गया है। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने धीरेंद्र कृष्ण महाराज के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने से इनकार कर दिया है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम से कोई अंधविश्वास नहीं फैला है और न ही किसी भी तरह भूत प्रेत की बात कही गई है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि 7 और 8 जनवरी को दरबार से जुड़े वीडियो की पड़ताल की गई है। पूरी पड़ताल के बाद वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो ये साबित करे कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा कानून 2013 के तहत कोई अंधविश्वास फैलाया है। धीरेंद्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था और विशेष करके जो 7 और 8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ था उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पाहनी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा का को फैलाया जा रहा है या अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा 2013 या ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गुना होता है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को नागपुर पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद प्राध्यापक श्याम मानव ने कहा है कि वे पहले से ही ऐसे निर्णय की उम्मीद कर रहे थे। श्याम मानव ने कहा कि पुलिस के इस निर्णय के बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करेंगे। इसके बाद जो लिखित उत्तर मिलेगा उस पर विचार करने के बाद वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सोचेंगे। श्याम मानव ने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण महाराज के खिलाफ 2013 के महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला बनता है और वे इस बात पर आज भी कायम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की पत्नी को अंतरिम जमानत मिल गई है। मंदाकिनी के वकील ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें अंतरिम जमानत दी है। मंदाकिनी खडसे पर वर्ष 2016 के दौरान पुणे के एक भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। नासिक के पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री देशपांडे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में मंदिर बनाने की मांग की है। देशपांडे का कहना है कि जब एयरपोर्ट में मुस्लिम समाज के लिए नमाज अदा करने के मकसद से प्रेयर रूम बनाया जा सकता है तो फिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी एयरपोर्ट पर पूजा अर्चना करने की व्यवस्था सरकार को करवानी चाहिए। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में 2 साल बाद गणेश जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जयंती मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन व्रत और गणेश जी के पूजन से संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कारण लोगों में काफी उत्साह और खुशी है। सांसद सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार में भरोसे की कमी है और ऐसे हालात में उन्हें समय से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चीनी उद्योग को ताकत देने और सशक्त बनाने पर सकारात्मक चर्चा हुई और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और किसानों को इसका फायदा होगा। मुंबई करों के लिए एक खुशखबरी है। देश की आर्थिक राजधानी अब कोरोना मुक्त हो चुकी है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहली बार मंगलवार को मुंबई में कोरोना का कोई भी नया केस दर्ज नहीं हुआ। बीएमसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2020 में महामारी शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब मुंबई में कोरोना का कोई भी केस नहीं मिला। मॉडल और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद को कोई मकान मालिक मुंबई में किराए पर घर नहीं दे रहा है। उर्फी जावेद ने एक ट्वीट के जरिए अपना ये दर्द शेयर किया है। उर्फी जावेद ने ट्वीट कर ये लिखा है कि हिंदू मकान मालिक उसे मुस्लिम होने की वजह से घर नहीं दे रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम मकान मालिक उसके कपड़े पहनने के रंग ढंग की वजह से घर नहीं दे रहे और बाकी मकान मालिकों को उसे मिल रही राजनीतिक धमकियों का डर है।
इसी वजह से उर्फी को किराए का घर नहीं मिल रहा है।